अब ये वाला भी ओके डन थैंक यू कबीर करंट अस्सलाम वालेकुम एवरीवन इट इज डे 6 वेलकम बैक छठा रोजा हो चुका है आज मेरी जरा देर से हुई है सुबह इनकी बहुत जल्दी हो गई ये टूट गया टूटा नहीं है असल में वो ना मैं एक स्टैंड के साथ कैमरे को यूज करती हूं ये टूट गया मम्मा मम्मा जी देखो ये टूट गया ये टूट गया अच्छा मैंने इसको अंदर रखा है वो चार्ज हो रहा है ना वो उसका जो ट्राइपॉड या स्टैंड आप जो भी कह सकते हैं हैंड हेल्ड जो होता है उसको मैंने अंदर चार्जिंग पे लगाया है सो ही थिंक्स कि वो टूट गया है खैर बट छठा रोज़ा शुरू हो चुका है आज के दिन में हमारे पास एक्साइटिंग ये है कि आज हमें जाना है इफ्तारी पे और 4 बजे हमें निकलना है और बस अब मुझे रेडी होना स्टार्ट हो जाना चाहिए क्योंकि मैं थोड़ा टाइम लेती हूँ एकदम इस लड़की को मैं रिकॉर्ड करूंगी Caught you. Don't record me. But we're meeting each other in what? 2 days? 3 days? 3 days. I'm landing on Thursday. Yes. आपकी खांसी नहीं ठीक हो रही है मेरा गला ही नहीं ठीक हो रहा बस बाल बनाएंगे फिर थोड़ा मेकअप करेंगे And then we'll be done. आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ अपनी बैंग्स को कर रही हूँ बाल हो गए हैं अब हम अपना मेकअप शुरू करते हैं मेकअप हो चुका है बाल थोड़े नहीं काफ़ी ज़्यादा खुल चुके हैं बता सो के हमें थोड़ा सा ही टेक्स्चर चाहिए था लेट्स चेंज नाउ क्योंकि अब बहुत देर हो गई बहुत प्यारी लग रही हैं आप हम भी रेडी हो चुके हैं ज़्यादा अच्छी लग रही है अच्छा आप तो हैं ही प्यारी सो लेट्स गो ओह आई लव माय बैंग्स कैसे गिर रही हैं हम रेडी हो चुके हैं और अब फाइनली निकल रहे हैं और अब हमें निकल जाना चाहिए क्योंकि देर हो गई है ओह कबीर गाड़ी में बैठ रहे हैं मैंने नायरा बाजी को बोला एक मेरा फुल शॉट बना दे मिल जाएंगे अब मैं ऐसे पीछे चली जाती हूँ ऐसी लग गई हूँ मैं तो थैंक यू सो मच मैंने सबको दिखाया है कि सब कैसे लग रहे हैं मैंने बोला कि कोई मुझे भी देख ले कि मैं कैसी लग रही हूँ सो लेट्स गो अब बहुत देर हो रही है बाय थैंक यू नायरा बाजी हाय वायु वाओ कबीर You look so cute. I touch me today. You look so cute. बच्चे नहीं होते उनको बोलते हैं कि बिल्कुल पीछे बैठो बिल्कुल एकदम डिग्गी में जाके बैठो तो मैं उनमें से हूँ फिर भी हवा कैसे चल रही है कोई रोक रही है इसे मेरे बात खराब हो रहे हैं If overacting had a face. हम अपनी मंजिल मकसूद पे फिर आज की तारीख में आज पहुँच गए गोगो गोगो अभी मैं थोड़ी देर में आपको निकालती हूँ ठीक है फिर हम खेलेंगे ओके पॉकेट में रख लें पॉकेट है कहाँ पर है वहाँ पर ठंडी
कर रहा है अब्बा जी। अरे अब्बा जी, अरे अब्बा जी, व्यास आप अगर पकौड़ों को छोड़ते हो हैदराबादी को व्यास की कई देखे वो सामने जल्दी से आदर होगा। रोजा खुल गया है, ये क्या पहले तो क्या वो तो नहीं गिरा सकते वहाँ पे उधर उधर पड़ो उस तरफ पड़ो उस तरफ पड़ो अलाउड ये तो आप अपनी नहीं बना रहे हो सबकी बनाओ ना। देखो ये अम्मा वाली अब्बा अच्छा इसको ऐसे पकड़ो ऐसे 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 साइड से पकड़ो। हाँ ऐसे पकड़ो ऐसे देखो कौन कौन नजर आ रहा है आपको हमारे ही हैं जो एयरिंग्स मैंने पहने हुए हैं ये मुझे तोहफा मिला था लुबना आंटी की तरफ से मोमेंट्स मदर। सो जब उन्हें पता चला हम उनसे मिले थे हमारे रिश्ता पक्का होने के बाद सो आई थिंक तब उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया था जब उन्हें पता चला था कि हमारा रिश्ता पक्का हो गया और हमारी शादी होने वाली है। सो दीज ब्यूटिफुल एयरिंग्स आर अ गिफ्ट फ्रॉम हर। थैंक यू सो मच। गजब बेइज्जती। जोर से पकड़ के रखो अम्मा को। कहाँ जाना है वो देखो अब्बा देखो अब्बा जोर से पकड़ के रखो आप गिर जाओगे आप गिर जाओगे। क्योंकि साइज में अभी तक नहीं आती ना तेरे तो मुझ पे ही हमला हो सकता है। आप रोल कर रहे हो लाइन की तरह गिर रहे ना दे मुझे हम इंतजार कर रहे थे इस हक का कि हम रिकॉर्ड करेंगे। तो बस इंशाल्लाह जरूर आऊंगी। आपने बहुत अच्छी तारी बनाई थी। थैंक यू फॉर द डब्बा। मैं ड्राइव नहीं करूं। क्यों? पूरा दिन हो गया मुझे इन्हीं कपड़ों में। इसलिए कह रही हूँ मैं ड्राइव करूं? नहीं। आप रेस्ट करो वीडियोस बनाओ। He doesn't let me drive. He doesn't trust me. He doesn't trust my driving. He trusts me, but doesn't trust my driving. मैं बहुत अच्छी क्या हमारे गो कार्ट पे रेसिंग के लिए गए थे हम ठीक है ये तो तनु वर्ड्स मनु का सीन हो गया लेकिन गो कार्टिंग की रेस पे गए थे हम लोग मैं फिफ्थ नंबर पे आई थी और कितने लड़के थे उमर और वो कौन था अब्दाल और सब लोग थे और ये वो लड़के हैं जिनका मतलब डेली का काम है कि ये लोग गो कार्ट रेसिंग पे जाते हैं। रिदा भी थी और सब लोग थे और मैंने इतनी अच्छी चलाई कि इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स में बॉयज में पहली दफा मैं गो कार्ट की रेस पे गई थी और फिफ्थ नंबर पे आई थी और ये सब पीछे थे मेरे यार इमेजिन यास नाइन्थ पे थे मैं फिफ्थ पे थी तो मैंने कितना अच्छा लेकिन मैं कितनी अच्छी थी फिर एंड ही स्टिल डजंट ट्रस्ट माय ड्राइविंग। वो असल में हाईवे पे और रोड्स पे नहीं होना था ना वो तो ट्रैक पे था।
थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मी. छठा दिन आज हमारा ख़त्म हो गया है. अब इंशाल्लाह कल हमारा सातवां रोज़ा शुरू होगा. सो आई विल सी यू ऑल टुमारो. इट वॉज़ अ फन डे टुडे. कल भी बहुत कुछ होने वाला है. कल तो इफ्तारी भी है और एक शूट भी है और मैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी जान, मेरे जैन से मिलने वाली हूँ कल. बट इट इज़ गोइंग टू बी सो मच फन टुमारो. इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी. सो डोंट नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल सो यू गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर आई पोस्ट videos. So thank you so much. अब मुझे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए. Bye.